कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं मुनचारी में। देखिए यार क्या अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो हम आपको अभी खलिया टॉप जा रहे हैं, फिर आपको आगे रास्ता दिखाते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खलिया द्वार पे। देख सकते हो आप, यहाँ से ऊपर को पूरा पैदल ट्रैक है। तो हमने अपनी जर्नी यहाँ पर लगा दी है। क्या सुपर सा व्यू है, देखो प्यारे से व्यू पे लगा रखी है गाड़ी। तो ऐसा कुछ दिखता है एरिया। तो हम चलते हैं आगे को, फिर आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता, तो यार यहाँ पे बहुत बर्फीली हवा चल रही है। देख सकते हो यार प्यारा सा खूबसूरत सा जंगल है। ऐसा फील हो रहा है कि बर्फ यहीं पे को गिरी है। दोस्तों देख सकते हो पाला भी कैसा बर्फ जैसा दिख रहा है यार। ये सब पाला जमा हुआ है देखो। अभी ऊपर देखते हैं कितनी सारी बर्फ गिरती है। ऐसा कुछ रास्ता है यार, देख सकते हो। रास्ता चल चुके हैं हम, आधा रास्ता अभी बाकी है, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे से। यार काफ़ी हालत ख़राब हो रही है यार ऐसे रास्ते में। तो देख सकते हो यार बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ बर्फ़ देखने के लिए। तो यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर भी है। चलो देखते हैं आज कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करके कैसा लगता है। बुद्धों की तरह सफर तय करना पड़ रहा बंदर की तरह लटक चुके हैं यार। ये नजदीक था तो चलो चलते हैं आगे को। दिखती है यार ये जगह काफी प्यारी सी। अभी हमारा सफर इससे ऊपर को है, रास्ता बहुत ऊपर तक है। हम एटलीस्ट अभी वो नीचे पहाड़ से आए हुए हैं, ऊपर को पूरी चढ़ाई है। तो चलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे और सामने का पंचचूली का व्यू देखो। और ये देखो बर्फ गाइस, हल्की सी बर्फ तो स्टार्ट हो चुकी थी पहले भी। तो देख सकते हो यार आप काफी करीब टाइप की होने लग गई है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में। देखो यार गाइस, हमने 6 किलोमीटर का सफ़र अभी तय कर चुके हैं। तो आगे को और है, 0 डिग्री जाने की सोच रहे हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं, देखो कैसे एक्सपीरियंस होता है। ये नया एक्सपीरियंस है यार। वैसे पहाड़ों में तो हम ट्रैक वगैरह तो करते रहते हैं, बट बर्फ़ में चलना गाइस सो रिस्की। तो जब भी आए अच्छे से आए हैं। यहाँ पूरी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, देख सकते हो। तो ये देखो ये ऊपर पे शायद PRC है। तो यार पैर भी फिसल रहे हैं ऐसे रास्ते में, तो ध्यान से जाना होगा हम लोग को। सो यार गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ चढ़ूंगा आज। तो हम अब आपको भी दिखाते हैं ऐसी लोकेशन। तो यार हम जाते हैं तो तभी दिखा पाते हैं ऐसी लोकेशन। तो यार मैं तो थोड़ा एडवेंचर और ट्रिप ही बनना हूँ, सो ट्रिप वगैरह करना मुझे पसंद है। सो अगर दोस्तों का और अच्छा ऑफर आ जाता है तो हम मना नहीं कर पाते हैं। तो हम चल पड़ते हैं ऐसे ट्रिप पे निकल के।
आए कीप कमिंग यार, ऐसी जगह आते हैं यार, मोस्ट वेलकम यार। आप ऐसी जगह ट्रैवल करें, उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी जगह है। अभी तो घिरा हुआ है ये पूरा पंचचुली व्यू, शायद बर्फ़ पड़ी होगी, तो हम चलते आगे। वो देख सकते हो बर्फ़ के, उससे यहाँ पेड़ के पत्ते नीचे को झुके हुए हैं, ये देखो। शायद यहाँ कड़ाके वाली ठंड होती है। तो यार ये घास का जंगल दिखा, मैं थोड़ी बर्फ़ कम हुई अभी, फिर आगे को चलते हैं, आगे और बर्फ़ होगी। अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। तो देखो यार इतनी हाइट पे हम, और वो नीचे है मुंशियारी, और ये ऊपर पंचाचूड़ी व्यू देख सकते हो। मंदिर पे पहुंच चुके हैं यार, क्या शांति है यार, यहाँ देख सकते हो आप। क्या लोकेशन है दोस्तों यार, हम लोग 0 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ख़राब है। थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के लिए, सो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा। सो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यार यहाँ बहुत सारा काली मिट्टी है, तो हम चलते हैं आगे। लोगों ने हमें पहले ही वॉर्न कर दिया था कि यहाँ टेम्परेचर ख़राब हो रहा है, तो आप ना जाएं कृपया। तो हम लोग तो हैं जिद्दी यार दोस्तों, तो हम लोग एडवेंचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो सामने देख सकते हो यार, काफ़ी पास में दिख रहे हैं माउंटेन्स बर्फ़ के। तो जो पूरी थकान थी ना हमें लगी हुई थी, तो वो पूरी थकान मिट चुकी है ऐसा बर्फ़ देख के, दिल को सुकून पहुँचा। देख सकते हो यार हमारे सामने है बर्फ के पहाड़। सो यहाँ अभी कोई नहीं है, हम दो ही हैं। हम आपको दिखाते हैं सामने बर्फ की पहाड़ियाँ। तो देखो यार क्या खूबसूरत सा लग रहा है। हम सोच रहे हैं वो ऊपर तक जाते हैं जहाँ बादल लगे हैं, तो चलो चलते हैं। तो जहाँ तक हमारे पैर ले जाते हैं हम वहाँ तक दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। फिर यार एक तो मौसम भी ख़राब हो रहा है देख सकते हो, फिर यहाँ एक तो बर्फ़बारी हो सकती है, इसलिए हम टाइम से निकल जाएंगे। देख सकते हो सामने माउंटेन, पैर में बर्फ़ भी चली गई। तो सामने देख सकते हो यार ये ग्लेशियर पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, और मौसम देख सकते हो यार, मौसम पूरा ख़राब हो रहा है। तो हम टाइम से निकल जाएंगे यहाँ से। कौवे भी दिख रहे हैं हमें यहाँ। देखो यार कैसी बर्फ है, और ऐसी कड़ाके वाली ठंड हो रही है, शब्दों में बयां नहीं हो पाएगा वो। मगर जो लोकेशन है गाइस, सच में यार अपनी तरफ को खींच रही है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब हो रहा है तो हम लोग चलते हैं नीचे को, देख सकते हो बर्फ पड़ सकती है यहाँ कभी भी। तो यार अचानक से मौसम कोहरा ज्यादा ही छाने लग गया है,
हम लोग अब चलते हैं नीचे को, तो देख सकते हो यार क्या शांति है यार यहाँ। तो हम चलते हैं अब नीचे को, बाकी सफर हम आगे को दिखाते हैं आपको। के चक्कर में हम लोग को अब नीचे को चलते हैं, यहाँ पूरा घिर चुका है कोहरे से, तो हम नीचे रेस्ट लेंगे, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं नीचे को अपनी डेस्टिनी को। सो यार जो फील था ना वो मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा फील था। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे, सो ऊपर देख सकते हो यार काफ़ी सारी भीड़ है, तो अब चलते हैं नीचे। ये रही जैनी, तो चलते हैं। गाइस मैं होप करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।